अगर आपके सपने आपकी मुसीबतों से बड़े हैं तो यकीन मानिए आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे जांबाज की है जिसकी खामोश जिद ने इतना शोर मचाया कि उसकी मुसीबतें उसकी जद से बाहर हो गई। यह कहानी है जज्बे की, यह कहानी है हौसले की, यह कहानी है यकीन की और यह कहानी है रिंकू सिंह की। अगर कोई बच्चा अपने बचपन में किताबों के बोझ से ज़्यादा परिवार की गरीबी के बोझ को महसूस करता है तो निश्चित रूप से उसके सामने दो ही रास्ते खुलते हैं। या तो वह गरीबी के बोझ तले घुट घुट कर अपना दम तोड़ देता है या फिर उस गरीबी की ज़मीन पर अपनी आँखों से अपने सपनों का एक बीज बोता है और अपनी मेहनत और जिद से एक ऐसा पेड़ तैयार करता है जिसकी छाँव में बैठकर दुनिया कहती है लॉर्ड ऑफ सिक्स रिंकू सिंह। ओ छक्का लगेगा, छक्के छुड़ाए रिंकू सिंह, क्या खिलाड़ी है ये, रिंकू है तो चेज मुमकिन है। 12 अक्टूबर 1997 को अलीगढ़ की तंग गलियों में एक गैस एजेंसी में काम करने वाले खान चंद्र सिंह की पत्नी वीना देवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। माँ बाप ने प्यार से बच्चे का नाम रखा रिंकू। अपने 5 भाई बहनों में रिंकू तीसरे नंबर पर थे। बचपन से ही रिंकू पढ़ने लिखने में फिसलती रहे, ना तो उन्हें क से कबूतर समझ में आया और ना ही ए फॉर एप्पल। अच्छी बात ये रही कि बहुत कम समय में रिंकू ये बात समझ गए कि पढ़ाई लिखाई उनके बस की बात नहीं है। मतलब साफ था कि उनसे ना हो पाएगा, होता भी कैसे। रिंकू के हाथों में हर समय किताब और कलम की जगह बैट और बॉल जो हुआ करते थे। इसलिए क्लास 9th में फेल होने के बाद परिवार वालों का पैसा और अपना समय खर्च करने के बजाय रिंकू ने पढ़ाई छोड़ देने में ही भलाई समझी। रिंकू को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। जैसे ही समय मिलता रिंकू निकल लेते अलीगढ़ की तंग गलियों में क्रिकेट खेलने के लिए। माँ बाप और 5 भाई बहनों को मिलाकर बेहद गरीबी को झेलता हुआ कुल 7 लोगों का परिवार था। पिताजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी का काम करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा हो करके भी गरीब ही रहे। बहुत समझाए कि बेटा खेल कूद करके नहीं बल्कि शिक्षा के प्रकाश से गरीबी के अंधकार को दूर किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। गरीबी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ इंसान, परेशानियों के बोझ तले दबा हुआ इंसान खेल कूद के लिए बना ही नहीं है। पिताजी की ये दार्शनिक बातें रिंकू सिंह के समझ में नहीं आई। खैर आती भी कैसे, क्रिकेट के अलावा रिंकू को कुछ समझ में आता हो तब न। रिंकू को मालूम था कि पढ़ाई लिखाई उनके बस की बात नहीं है, अब जो कुछ भी होना है क्रिकेट से ही होना है। इसलिए रिंकू ने अपने आप को झोंक दिया क्रिकेट की आग में खुद को तपाने के लिए। मत सुनो किसी की, जमा के रखे हौसला जो धीरे धीरे पिघलेगा, कामयाबी का ये रास्ता मुश्किलों से होकर निकलेगा। रिंकू ने अपने क्रिकेट की शुरुआत अलीगढ़ की तंग गलियों में टेनिस बॉल के साथ किया था। गलियों में ही क्रिकेट खेलकर रिंकू ने लोकल स्तर पर टेनिस क्रिकेट में अपना नाम बना लिया। कब घर पे आना कब घर से जाना रिंकू को कुछ भी नहीं पता था सिवाय क्रिकेट के। रिंकू का परिवार बेहद मुफलिसी में जीवन जीने के लिए मजबूर था। कुल 7 लोगों का परिवार 2 कमरे की झोपड़ी में किसी तरह से अपना दिन काट रहा था। पिता खान चंद सिंह घर घर गैस सिलेंडर की डिलीवरी करके 6 से 7 हज़ार रुपये का जुगाड़ महीने में किसी तरह से कर लिया करते थे और यही कारण था कि रिंकू के पिता रिंकू के क्रिकेट के खिलाफ थे और क्रिकेट खेलने के लिए रिंकू को अक्सर कूट भी दिया करते थे। उस समय पिताजी को क्या पता था कि क्रिकेट के लिए जिस बेटे की वे इतनी कुटाई कर रहे हैं वह बेटा बड़ा होकर के अपना सारा गुस्सा गेंदबाजों की थुनाई करके निकालेगा। Oh, it's gone again. Would you believe it? 3-3. Game on. They're not out of it quite yet. Okay,
रिंकू के पिताजी समझ चुके थे कि रिंकू पढ़ेगा लिखेगा तो है नहीं, इसलिए कोई छोटी मोटी नौकरी ही कर ले जिससे घर चलाने में आसानी हो जाए, घर चलाने में उनको थोड़ी मदद मिल जाए। इसलिए रिंकू के पिता ने रिंकू की जॉब एक स्वीपर के तौर पर एक कोचिंग सेंटर में लगवा दी। जिन हाथों में अब तक बैट और बॉल रहा करते थे उन्हीं हाथों में झाड़ू और पोछा थमा दिया गया। लेकिन आखिर कब तक, क्योंकि रिंकू के हाथ झाड़ू पोछा लगाने के लिए तो बने ही नहीं थे। रिंकू के हाथ तो स्टेडियम में बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए बने थे। लिहाजा रिंकू का मन कोचिंग सेंटर की साफ सफाई में नहीं लगा और उन्होंने यह काम छोड़ दिया। रिंकू ने उसी दिन यह भी तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन करियर तो क्रिकेट में ही बनाना है। क्रिकेट में करियर बनाने के लिए लेदर बॉल से खेलना जरूरी था। बड़ा स्टेडियम, कोच, टूर्नामेंट की फीस, ये सारे खर्चे रिंकू की औकात से बाहर थे। पर कहते हैं ना, जाबाज को बाज बनने से कोई नहीं रोक सकता। रिंकू सिंह जैसे लोगों के लिए शाहरुख खान की फिल्म का यह डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। रिंकू ने अपनी गरीबी को कभी भी अपने सपनों के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। रिंकू के पास पैसे नहीं थे, इसलिए रिंकू ने किसी प्राइवेट एकेडमी के बजाय गवर्नमेंट स्टेडियम में प्रोफेशनल क्रिकेट की बारीकियां सीखना शुरू कर दिया। वक्त गुजरा और रिंकू सिंह पर कोच मसूद अमीनी की नज़र पड़ी। वे रिंकू के टैलेंट से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने रिंकू को प्राइवेटली कोचिंग देना शुरू कर दिया। बहुत ही टैलेंटेड देखा मैंने, जब ये मेरे पास आए शुरू में तो बहुत टैलेंटेड थे, बहुत बड़ा गौरव महसूस करते हैं और बच्चों को, अलीगढ़ के बच्चों को सीखना चाहिए। कोच मसूद अमीनी ने रिंकू सिंह को बड़े बड़े टूर्नामेंटों में भेजना चालू कर दिया, जिसका फायदा यह हुआ कि रिंकू के खेल में दिन प्रतिदिन निखार आता चला गया। हालांकि इन टूर्नामेंटों में जाने के लिए बॉल फीस ली जाती थी, जिसका जुगाड़ रिंकू किसी तरह से अपने भाइयों और अपनी माँ से रोगा करके कर लेते थे। एक बार एक बड़े टूर्नामेंट में रिंकू को कानपुर खेलने जाना था। इस टूर्नामेंट में रिंकू को पार्टिसिपेट करने के लिए 1,000 रुपये की ज़रूरत थी। रिंकू परेशान थे, पैसे का जुगाड़ हो नहीं पा रहा था। बेटे का उदास चेहरा देखकर माँ से नहीं रहा गया और उन्होंने अपने किसी जानने वाले से 1,000 रुपये उधार लेकर रिंकू को टूर्नामेंट में जाने की व्यवस्था की। उस दिन किसी माँ द्वारा बेटे को दिया गया सबसे कीमती 1,000 रुपया रहा होगा। जिस घर की दीवारों में गरीबी झलकती थी, जिस परिवार के लोगों के पहने हुए कपड़ों में गरीबी झलकती थी, जिस घर के लोगों की थालियों में गरीबी झलकती थी, उस गरीब परिवार में एक माँ अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए कितना बड़ा दिल रखती है, यह साहस शायद आपकी भारतीय माओं में ही देखने को मिलेगा। बाकी किसी दूसरे कल्चर की माओं में यह साहस आपको देखने को न मिले। रिंकू की माँ ने हमेशा रिंकू के क्रिकेट को सपोर्ट किया, रिंकू को साहस दिया। हाँ, पिताजी बेशक रिंकू के क्रिकेट के खिलाफ थे, लेकिन एक दिन एक घटना ने पिताजी का भी मन बदल दिया। हुआ कुछ यूँ था कि रिंकू एक टूर्नामेंट खेलने गए थे। पिताजी जब घर आए तो पता चलता है कि बेटा मना करने के बाद भी क्रिकेट खेलने गया था। बस क्या था, एक भारतीय पिता की तरह रिंकू के पिता भी दरवाजे पर खाट लगा करके एक डंडा लेकर के बैठ गए। खैर, रिंकू का जब मैच खत्म हुआ तो उस दिन रिंकू बेफिक्री के अंदाज में घर के लिए निकले। इस बात से रिंकू बिल्कुल अनजान थे कि आज फिर एक बार पिताजी अपने क्रोध का ज्वालामुखी लिए साक्षात रिंकू के स्वागत के लिए दरवाजे पर मोटी छड़ी के साथ बैठे हैं। रिंकू के घर पहुंचते ही रिंकू की पीठ पर पिताजी की छड़ी का अद्भुत पराक्रम चालू हो गया। रिंकू रोए चिल्लाए, लेकिन उनकी कुटाई तब तक हुई जब तक पिताजी के हाथ नहीं थक गए। मैच खेलने का पिताजी की तरफ से रिंकू को अक्सर ही इनाम मिला करता था। खैर, कुछ देर बाद जब रिंकू के आंसू रुके और पिताजी का गुस्सा शांत हुआ तो रिंकू दबे पांव पिताजी के पास गए और बताया कि उन्होंने अपने खेल के दम पर एक मोटरसाइकिल जीती है। कुछ समय पहले जो आंखें गुस्से से लाल थी, इतना सुनकर के वे आंखें
आंसुओं से भर गईं। पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया। घर में बेटे के खेल की वजह से पहली बार मोटरसाइकिल जो आई थी। खैर, मोटरसाइकिल ने उस दिन पिताजी को यह एहसास करवा दिया था कि 7 जनों के परिवार में यही एक है जो उनके परिवार पर लगे गरीबी के ग्रहण को मिटा सकता है। और उस दिन के बाद रिंकू की माँ के साथ साथ रिंकू के पिताजी ने भी रिंकू के सपनों में अपना भविष्य देखना शुरू कर दिया था। खैर, कोच मसूद अमीनी की देखरेख में जिला लेवल पर अपने खेल से धूम मचाने के बाद रिंकू सिंह का सिलेक्शन 2012 में अंडर 16 में हो गया। लेकिन सफलता अगर जो इतनी आसानी से मिल जाए तो फिर किसी संघर्ष की कहानी कैसे लिखी जाएगी। कुछ लोग थे जिन्हें रिंकू सिंह की सफलता रास नहीं आ रही थी 2022 में अंडर 16 में नाम आने के बाद। कुछ लोगों ने रिंकू सिंह का फार्म ही गायब करवा दिया, जिसके चलते रिंकू सिंह अपना ट्रायल नहीं दे सके। लेकिन रिंकू के सर पर क्रिकेट का ऐसा जुनून था कि रिंकू ने हार नहीं मानी। और रिंकू ने अपने एक दोस्त जीसान के साथ मिलकर यूपी के सेलेक्टर्स तक फॉर्म गायब होने की खबर जब पहुंचाई, तो रिंकू सिंह का दोबारा से ट्रायल करवाया गया, जिसमें 154 रन की पारी खेलकर रिंकू ने सेलेक्टर्स का दिल जीत लिया। फिर 2013 में रिंकू अंडर 19 की टीम में भी चुन लिए गए। इस दौरान रिंकू ने कई जबरदस्त पारियां खेली। वक्त गुजरा और 2015 में रिंकू का सिलेक्शन यूपी की रणजी टीम में भी हो गया। दिन प्रतिदिन रिंकू का क्रिकेट मेहनत की आग में तप कर सोने की तरह शुद्ध हो रहा था, जिसको देखते हुए 2017 के IPL ऑक्शन में रिंकू सिंह को किंग्स 11 पंजाब ने 10 लाख में खरीदा। लेकिन इंतजार अभी बाकी था और रिंकू सिंह को 2017 IPL में कोई भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। 2018 में KKR की नज़र रिंकू सिंह पर पड़ी और KKR ने रिंकू सिंह को 80 लाख में खरीदा। हालांकि 2018, 2019 और 2020 में रिंकू को ज़्यादा मौके नहीं मिले और 2021 में चोट लगने के कारण रिंकू नहीं खेल सके, लेकिन यह चोट रिंकू के संघर्ष से बड़ी नहीं थी। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। साल आया 2022। रिंकू सिंह ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 23 गेंदों में 42 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर क्रिकेट प्रेमियों की जुबान तक अपना नाम पहुंचा दिया था। लेकिन रिंकू सिंह के नाम की असली कहानी लिखी गई 9 अप्रैल 2023 को। 9 अप्रैल 2023 को GT के खिलाफ खेली गई उनकी पारी को कोई भी क्रिकेट प्रेमी शायद ही भुला सके। आखिर कितने खिलाड़ी हैं जो आखिरी 5 गेंदों में 5 छक्के लगाने का मादा रखते हैं? लेकिन है एक बंदा जिसने गुजरात टाइटंस के जबड़े से जीत छीन करके KKR की झोली में डाल दिया था। 9 अप्रैल 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में गुजरात टाइटंस और KKR का मुकाबला। गुजरात ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 204 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में KKR जब बैटिंग करने उतरी तो 19 ओवर में 7 विकेट खो करके केवल 175 रन ही बना पाई थी। 20वें ओवर यानी आखिरी 6 बालों में KKR की जीत के लिए चाहिए थे 29 रन। गुजरात टाइटंस के खेमे में जीत के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई थी। KKR की टीम हार मान चुकी थी। KKR के अधिकतर समर्थक अपनी सीट छोड़कर के स्टेडियम से बाहर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें कहां पता था कि कहानी का असली क्लाइमेक्स लिखा जाना अभी बाकी था। हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो, मगर जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तब तक कोई भी कहीं भी और कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकता। गुजरात टाइटंस की तरफ से यश दयाल पारी का आखिरी ओवर लेकर तैयार थे। स्ट्राइक पर थे उमेश यादव, जो 4 गेंदों में महज 5 रन बना करके खेल रहे थे। नॉन स्ट्राइक पर अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए खड़े थे रिंकू सिंह। यश दयाल उमेश यादव के लिए गेंद लेकर के निकलते हैं
और उमेश यादव उस गेंद पर धीरे से एक सिंगल चुरा लेते हैं। यह सिंगल आईपीएल इतिहास का सबसे कीमती सिंगल था। अब 5 गेंद पर केकेआर को चाहिए थे 28 रन। यश दयाल गेंद लेकर के मुस्कुरा रहे थे। नॉन स्ट्राइक पर खड़े उमेश यादव ने भी हार मान ली थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। कैली क्रिकेट में तो सब टेंडुलकर है, असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। रिंकू सिंह ने यश दयाल के आखिरी 5 गेंदों में ताबड़तोड़ 5 छक्के लगाकर गुजरात टाइटंस के जबड़े से जीत छीन ली थी। Rinku Singh, you little beauty, playing an innings that everyone was hoping would come. What a finish this has been. Down the ground, and it goes for 6 again. That is quite extraordinary. I've never seen anything like this on a cricket ground. 5 sixes in a row. यश दयाल गुजरात टाइटंस और उसके समर्थकों के लिए विलन बन चुके थे, और रिंकू सिंह केकेआर और उसके समर्थकों के लिए भगवान, लॉर्ड ऑफ सिक्स, रिंकू सिंह।